केविन अपने तीन दोस्तों के साथ रहता था जिनका नाम है सैम, ओलिवर और टॉम। केविन की ये सब रूममेट थे। तो आज केविन का बर्थडे थे तो इसलिए उसने उसके पापा ने उसको बहुत महंगी घड़ी गिफ्ट की थी। वो घड़ी पाकर वह बहुत खुश था, लेकिन घड़ी को देखकर तीनों रूममेट जो थे, तीनों दोस्त उसके थे, बहुत जल रहे थे, जेलसी फील कर रहे थे। केविन ने घड़ी को अपने पास रख कर और सो गया। कुछ देर बाद जो है लगभग 2:10 पर सैम आया केविन के रूम में, और लगभग 2:30 पर ओलिवर आया केविन के रूम में, और लगभग 3 टॉम आया केविन के रूम में। तो केविन जो है अचानक जगता है 4, और वह अपनी घड़ी को नहीं पाता है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वह कुछ देर ढूंढने के बाद उसको घड़ी डस्टबिन में मिलती टूटी हुई। तो बच्चों ये देखिए महंगी घड़ी उसके दोस्तों ने तोड़ दी। कितने बेरहम दोस्त हैं दोस्तों, देख रहे हो बच्चों, ये उसकी घड़ी तोड़ दी है उनके। तो ये उसने अपने दोस्तों से पूछताछ की इसके बारे में, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। सब अपने आप को निर्दोष होने में साबित लगे। तो बच्चों घड़ी को देख करके आपको बताना है कि कौन से वाले दोस्त ने उसको घड़ी को तोड़ा होगा। बच्चों तोड़ने के मजाक में तो दोनों ही थे। क्या कहा, दूसरे नंबर पर गया वो, बिल्कुल सही कहा ओलिवर, बिल्कुल बच्चों दूसरे नंबर ओलिवर गया। और घड़ी जो है 2:35 पर टूटी। वेरी गुड बच्चों, सही जवाब दिया, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बच्चों। ये डेव है जो कि सुबह उठता है और अपने आप को एक रूम में लॉक पाता है। बच्चों अगर ऐसे वीडियो देखो तो आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा, इसलिए ऐसे वीडियो देखा करें आप। तो जैसे वह जगता है तो वो अपने आप को रूम में लॉक पाता है, तो एक बार से आवाज़ आती है कि वो बोलता है मैंने तुम्हें इस रूम में लॉक किया है। तो अब जो है, और वो बोलता है कि तुम्हारे बगल में बॉम्ब रखा हुआ है जो कि 5 में बच्चों फट जाएगा, 5 में ये बॉम्ब जो है फट जाएगा अगर केविन ने कुछ नहीं किया। तो बच्चों वो बता रहा है कि तीन दरवाजे, उनमें से तुमको एक सही दरवाज़ा चूज करना होगा। पहले दरवाज़ा जो है उसके पीछे भालू है जो कि तुम्हें कुछ जिंदा खा जाएगा, और जो दूसरा दरवाज़ा है उसमें भी खतरा रखा हुआ है। उसमें खतरा क्या है चलिए बता दो, उसमें जो आग जल रही है जो कि तुमको जिंदा जला डालेगी, तुम्हारी राख कर देगी। तीसरे दरवाजे में बच्चों एक भूत है जो कि तुम्हें जिंदा खा जाएगा। तो बच्चों अब आपको बताना है कि जो केविन है वो कौन सा दरवाज़ा चूज करेगा जिससे कि वह जिंदा बच सके। क्या कहा बच्चों, पहला, बिल्कुल सही कहा बच्चों, पहला, क्योंकि वह बॉम्ब से जो है वाइल्ड को, भालू को मार देगा और निकल जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। मेहुल जो एक अपराधी का पीछा कर रहा है, देखो बच्चों बारिश हो रही बहुत तगड़ी वाली, और मेहुल जो है एक अपराधी का पीछा कर रहा है। अपराधी का पीछा पीछा करते करते जो अपराधी है, क्रिमिनल है, वो अचानक से गायब हो जाता है उसकी नज़रों से। अब वो लगातार मेहुल चल रहा है उसके पीछे, चलते चलते मेहुल जो है एक घर के पास पहुंच जाता है। जब वह घर को देखता है तो बाहर जो उसके घर की जो कुंडी लगी होती है तो वहाँ पर पहुँचता है और जो है बैल बजाता है, घंटी बजाता है। अब घंटी बजाने पर बच्चों एक व्यक्ति आता है, उसको खेलता है, बोलता है कि इस टाइम आपको क्या चाहिए। आदमी बोलता है, तो मेहुल बोलता है कि मैं एक अपराधी को ढूंढ रहा है, क्या यहाँ पे कोई आया था। तो जो आदमी है वो बोलता है नो, मैं अकेला रहता हूँ और मैं कल से तो यहाँ से निकला भी नहीं हूँ। मेहुल कहता है क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, बिल्कुल मिलेगा। तब वो जो अंदर आता है मेहुल, तो वह देखता है कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिसे उसे शक हो जाता है कि अपराधी यही। तो बच्चों इन सारी तस्वीर को देख के आपको बताना है कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसको देख के करके पता लगता है कि अपराधी यही है, और कितनी वो चीज़ें। देखिए बच्चों, गिलास रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, चश्मा, और ये छाता रखा हुआ है जिससे पानी भीग रहा है, और वो देखिए दरवाजे के सामने। क्या कहा बच्चों, 5, बिल्कुल सही कहा बच्चों, 5 ऐसी चीज़ें जो कि महसूस कराती हैं कि अपराधी यही है। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही।